नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और न ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 8860-10-40-40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं, तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सेहत के नंबर पर पहली कॉल आ चुकी है लेकिन सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी। थैंक यू। और आज भी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दीजिए और जो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं वो है सैज गाजियाबाद से। सैज, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरी मैं ना मतलब कमजोर से रहता हूँ, तबीयत खराब रहती है, खांसी जुकाम ज्यादा रेगुलर ही रहता है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तब भी बहुत इजीली मेरे को जुकाम खांसी हो जाती है। देखो, आपकी आवाज़ से लग रहा है बहुत थके हुए लग रहे हो आप। इसको हम अपनी भाषा में कहें तो जो रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी होती है ना, इम्यूनिटी जिसको आजकल बोलते हैं, काफ़ी पॉपुलर शब्द है, हमें इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें सेवन करनी चाहिए। जैसे जीवा का च्यवनप्राश है, पूरा साल खा सकते हैं आप, एक चम्मच रोज़ खाइए, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। ख़ास तौर से जो खांसी जुकाम बलगम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप खाना खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिठाई या तली चीज़ें या जो आज के लिए जंक फूड चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा जो प्रचलन में आ गया है, उसका सेवन आप मिनिमाइज कर दीजिए या कम कर दीजिए। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा जीवा के डॉक्टर से एक बार मिल लीजिए, थोड़ा परीक्षण निरीक्षण कराएंगे अपना तो पता चलेगा कि रूट कॉज क्या है। गाजियाबाद में आप रहते हैं, हमारी क्लिनिक है, इंदिरापुरम में भी क्लिनिक है, और घर बैठे आप फ़ोन के माध्यम से भी जीवा के डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप सभी को मालूम है जीवा एक बहुत ही बढ़िया टेलीमेडिसिन सेंटर चलाता है जो वर्ल्ड का अपने आप में एक यूनिक सेंटर है। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। एक और कॉलर जुड़ गए हैं इस बीच में, दिलीप है नोएडा से। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हाँ जी सर, मेरे कंधे पर सर काफी ज्यादा काले धब्बे पड़े हुए हैं और ये 2-3 अच्छा। महीने से पिछले। तो उसमें कुछ खारिश खुजली भी होती है, केवल स्किन में पिगमेंटेशन हो गया, काले धब्बे पड़ गए? तो काले धब्बे उसमें खुजली तो नहीं होती, बस हल्की सी जलन सी होती है उसमें। हाँ देखिए, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वैसे तो जीवा में आपको मालूम है स्किन के जो पुराने से पुराने रोग होते हैं, चाहे सोराइसिस है, एक्जिमा है, एक पूरा हमारा प्रोटोकॉल है, स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें मिलते हैं। आपका तो 3-4 महीने पुराना ही रोग है, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको समझा दूं। एक तो गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, तीखा, चटनी वगैरह। नीम के पत्ते अगर मिले उनका लेप बना करके लगा सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। या मुलेठी जो है उसको आप सेवन कर सकते हैं इंटरनली। और इसके साथ साथ नोएडा में रहते हैं, हमारी क्लिनिक पर एक बार चले जाइए, डॉक्टर चेक भी कर लेंगे। जितने भी लोग त्वचा के रोगों से पीड़ित हैं, बहुत ही थक चुके हैं, इलाज करा करा के कुछ आराम नहीं आ रहा है, चाहे वो एक्जिमा है, सोराइसिस है, चाहे डर्मेटाइटिस है, या कोई भी ऐसा जो भयंकर नाम है, तो आप एक बार जीवा में संपर्क करें। स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, STP शॉर्ट में बोलते हैं, हमारे डॉक्टर से बातचीत करिए। हमारी एक पूरी टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। साथ में हम डाइट, लाइफस्टाइल और आपको थोड़ा सा जो है माइंड वेलबींग के लिए भी उसमें जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं वो स्ट्रेस से जुड़े हुए हैं। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सुजल हैं लुधियाना से। सुजल जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, सर मुझे
बीपी की प्रॉब्लम सर ज्यादा रहती है, चक्कर। तो अभी कोई गोली लेते हैं ब्लड प्रेशर की या कैसे कर रहे हैं अभी सर? वो जो इंग्लिश दवाई जो मिलती है ना, एंडोडेप। हाँ जी हाँ जी। कितना पुराना हो गया ब्लड प्रेशर आपका सर? ये करीब 5 साल से है। देखिए 5 साल से आप गोली खा रहे हैं, लेकिन सभी से मेरा निवेदन है जो ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, चाहे डायबिटीज से पीड़ित हैं, चाहे थायराइड से पीड़ित हैं, कितने सालों तक गोली खाएंगे आप? एक बार एक दिन बैठ करके आराम से सोचिए कि कब तक गोली खाएंगे और उस गोली के साइड इफेक्ट कितने हैं भयंकर, वो भी जरा पढ़ लीजिए। आजकल इंटरनेट पर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो भी बता देंगे आपको। तो मेरा निवेदन ये है कि ब्लड प्रेशर है तो क्यों है ब्लड प्रेशर? ज़्यादातर एसिडिटी से होता है, गैस से होता है, टेंशन से होता है, या फिर आपके बॉडी में कहीं ब्लड के अंदर कुछ ऐसे विषैले पदार्थ मिले हुए हैं जिनको आजकल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ऐसा नाम दिया जाता है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसका इलाज करिए ना, एक गोलियाँ खा करके केवल ब्लड प्रेशर को दबा दिया आपने, उससे ठीक नहीं होगा। हमारे यहाँ तो ब्लड प्रेशर का बहुत अच्छा इलाज है, बहुत सारे लोग जो हैं जो कई कई साल से गोलियाँ खा रहे थे वो आके ठीक होते हैं। इसी तरह से डायबिटीज़ है, थायराइड है, जितने भी ऐसे रोग हैं जहाँ एक गोली आप खा रहे हैं सालों से, तो उसके लिए एक बार जीवा में संपर्क करिए। ब्लड प्रेशर के लिए एक छोटा सा नुस्खा भी बताना चाहता हूँ, प्याज का रस 1 चम्मच और उसमें 1 चम्मच शहद मिला के सुबह खाली पेट ले लीजिए, बहुत बढ़िया फ़ायदा करता है। यह सफ़ेद पेठा मिलता है, उसका जूस सुबह खाली पेट पिए, उससे भी लाभ मिलेगा। डेफिनेटली आप जीवा में संपर्क करिए, हमारी एक इक्वलाइन टैबलेट भी आती है ब्लड प्रेशर के लिए, काफ़ी लोग लेते हैं, लेकिन रूट कॉज को फिर भी आपको समझना पड़ेगा और उसकी चिकित्सा अवश्य करनी चाहिए। एक और कॉल आ चुकी है, सुमित हैं हिसार से। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या दिक्कत परेशानी है, सवाल करिए। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बात कर रहा हूँ हिसार से। जी जी सर, मेरा सर सर में दर्द की समस्या रहती है सर। पूरे सर में दर्द होता है या आधे सर में होता है? सर पूरे सर में होता है। अच्छा ठीक है, देखिए कई बार क्या है कि सिर दर्द तो बहुत प्रकार के होते हैं, आयुर्वेद में तो 11 प्रकार के सिर दर्द, हमने कई बार इस पर पूरा एक अलग से टॉपिक भी किया हुआ है सिर दर्द के ऊपर। पूरे सिर में दर्द होने के छोटे छोटे से कारण मैं समझा देता हूँ, बाकी तो डिटेल आप जब बात करेंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है उससे हो जाता है, बहुत लोगों को होता है, या एसिडिटी है तो सिर में एसिड चढ़ जाता है उससे सिर दर्द हो जाता है, और रात को नींद अगर ठीक से नहीं आई है तो सिर दर्द हो जाएगा, कुछ टेंशन है, जुकाम है, कोल्ड है, साइनोसाइटिस है, बहुत सारे कारण होते हैं। मैं बार बार निवेदन करता हूं आप सभी से, केवल एक पेन किलर खा करके प्रसन्न मत होइए, उससे दर्द तो आपका दब जाएगा लेकिन जड़ पर क्या, उस पर तो काम नहीं किया। हिसार में आप रहते हैं, जीवा की क्लिनिक है, वहाँ पर पर्सनली चले जाइए, हमारी क्लिनिक्स पूरे भारत में है, कोई चिंता नहीं करना, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ जीवा की क्लिनिक मिल जाएगी आपको, और ना भी मिले तो फ़ोन है, आजकल तो फ़ोन के माध्यम से घर बैठे कंसल्टेशन करो, वीडियो कंसल्टेशन, और दवाई आपके घर आ जाएगी। तो थोड़ा सा जो है अपने हेल्थ के प्रति जागरूक बनिए, यही मैं बार बार आपको समझाता हूँ, और यही हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हम प्रेरित करें और आयुर्वेद से जोड़ें, ताकि नेचुरल तरीके से आप अपने रोगों को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कर सकें। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। तो मानसी जुड़ गई हैं दिल्ली से। जी। सवाल करते हैं उनसे, क्या परेशानी हो रही है मानसी? मैम मेरे को ना गैस बहुत ज्यादा बनती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। आपकी उम्र कितनी है अभी? 18। देखिए 18 इयर्स में, क्योंकि आपकी आवाज़ से मुझे लगा आप बहुत युवा हैं अभी, 18 इयर्स में गैस बनना, एसिडिटी बनना, अभी तो सिस्टम पूरा नया है, जैसे नई गाड़ी होती है उसमें समस्या होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये मैं इसलिए खास तौर से आपकी उम्र पूछी कि आज का युवा जो है वो खान पान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हूँ। लाइफ स्टाइल तो एक अलग विषय है, लेकिन जहाँ तक हमारे शरीर में खाना जो अंदर जा रहा है, बहुत सारा स्ट्रीट फूड और जो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, डब्बा बंद चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें, यही कर रहे हैं। हमारे पास तो पेरेंट्स आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स जो है शिकायत लेकर आते हैं कि बच्चा हरी सब्जी नहीं खाता है, फ्रूट नहीं खाता है, घर का बना खाना खाते ही नहीं है लोग। आजकल सुविधा भी हो गई है, ऑनलाइन जाके ऑर्डर कर लेते हैं। हमारे ऑफिस में हम भी कई बार देखते हैं उन बच्चों को, मैं कई बार लेक्चर भी करता हूँ ऑनलाइन, पता नहीं क्या क्या ऑर्डर करते रहते हैं। तो हम आपको बार बार यही सुझाव देते हैं कि आप थोड़ा सा जो है अपने प्रति जागरूक होइए, अपना केयर करना सीखिए, अभी युवा हैं, आगे चल के बहुत मुसीबत हो जाएगी। पेट से सारे रोग शुरू होते हैं, अगर आपका पाचन ठीक नहीं है
तो फिर आगे क्या आपके सर कहाँ शरीर में टिश्यूज बनेंगे, कहाँ आपके धातु बनेंगे, कैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो जीवा का डाइजेस्टॉल वो तो सबके पास होना ही चाहिए, बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ खाने पीने में ध्यान दीजिए, थोड़ा लाइट हल्का और सुपाच्य भोजन, और व्यायाम जरूर करना है नियमित रूप से। आधा पौना घंटा वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, स्ट्रेचिंग करिए, जिम करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन थोड़ा एक्सरसाइज करना, क्योंकि आजकल जो है बैठे रहने का ज़्यादा रिवाज हो गया है। लोग चाहे पढ़ाई कर रहे हैं आप, चाहे जॉब कर रहे हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, और मोबाइल एक ऐसी चीज़ मिल गई है ये हिलने नहीं देता हमें। तो थोड़ा सा जो है लाइफस्टाइल भी ठीक करिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए सुबह, और थोड़ा प्राणायाम मेडिटेशन भी करिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम भूल गए हैं, और इसी कारण बीमारियां शुरू होती हैं। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए संजीवनी। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। सेहत का नंबर हमारे स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। एक और कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, मानवी है दिल्ली से। मानवी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। सर, मैंने ये कह रही मेरे ना सर में दर्द बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, तो सिर दर्द ये कितना पुराना हो गया आपका? सर जैसे 3-4 महीने से कंटिन्यू है। कॉम्बी फ्लेम में गोली ले लेती हूँ तो उससे आराम पड़ जाता है, वरना कंटिन्यू रहता ही है। अच्छा, कोई वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, उल्टी आ रही है, जी मचलाना? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। आईज भी वीक नहीं है, पर पता नहीं क्यों सर में दर्द रहता है। नहीं, आईज वीक तो एक कारण उसका होता है, लेकिन सिर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा आपको नुस्खा बता रहा हूँ, सिर दर्द में बहुत फायदा करता है। पूरे सिर में सप्ताह में 2 बार तो मालिश करिए, नाक में बादाम का तेल डालिए, बहुत फर्क पड़ जाएगा आपको। हमारे जो ब्रेन के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो कई बार ड्राई हो जाती हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है, उसके कारण सिर दर्द बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरी चीज़, आप जो है जीवा में एक बार जरूर संपर्क करें, क्योंकि हम बार बार आपको कहते हैं सिर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी आप गोली खा के काम चला रहे हैं, लेकिन कब तक चलाएंगे? जैसे गोली नहीं खाते तो दर्द वापस आ रहा है, इसका मतलब दर्द तो वहीं का वहीं है। आपने केवल उसको गोली खा करके थोड़ी देर तक वो आपको महसूस नहीं होता है, दर्द कहीं नहीं जाता गोली खाने से। ऐसा नहीं कि ठीक हो जाता है, केवल आपको फीलिंग नहीं होती। जैसे एनेस्थीसिया दे देते हैं ऑपरेशन से पहले, सुन्न कर देते हैं, तो इसी तरह की गोलियां काम करती हैं। लेकिन आपसे निवेदन है, आप अपने शरीर को बड़ी अच्छी तरीके से, नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। रोग चाहे नया हो, पुराना हो, डिफिकल्ट हो, कोई चिंता की बात नहीं है। जीवा इज वेल नोन फॉर ट्रीटिंग क्रॉनिक डिजीज ऑल्सो। पूरी दुनिया से पेशेंट हमारे पास आते हैं, आयुर्वेद सिद्धांत पर हम काम करते हैं, ऑथेंटिक हम जो दवाइयाँ बनाते हैं प्रोटोकॉल के माध्यम से, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हम लोग जीवा में प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, केवल एक बार हमारे सेहत के नंबर पर कॉल करके अच्छी तरह से अपने रोग के बारे में डॉक्टर को समझाइए, या हमारी क्लिनिक पर फिजिकली भी आप जा सकते हैं। इस बीच एक और कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, सना है गाजियाबाद से। सना, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या समस्या हो रही है, सवाल करिए। हेलो जी, नमस्कार जी। सर, मुझे ना अपने फादर के लिए पूछना था, उनको जो प्रॉब्लम है ना, उनकी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, और ना अच्छा। वो कुछ भी मिर्च मसाले वाली चीजें खाते हैं ना, तो उन्हें बहुत ज्यादा ना मतलब चक्कर से आने जाते हैं और घबराहट होने लग जाती है बहुत ज्यादा। देखिए, कोलेस्ट्रॉल, पहली बात तो मैं समझाऊं आपको कि कोई कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज नहीं है। हमने इस पर शो भी किए हैं अलग से अपने संजीवनी प्रोग्राम में, आप देख लेंगे यूट्यूब पर जाके, मिल जाएंगे पुराने शो। कोलेस्ट्रॉल एक हमारे शरीर में ऐसा तत्व है जिसकी आवश्यकता होती है, लेकिन जब ये अधिक मात्रा में बनने लगता है, खासतौर से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो फिर ब्लॉकेज पैदा करता है। तो एक तो सबसे पहली चीज़, कोलेस्ट्रॉल बनता क्यों? अपच से बनता है। आपका खाना अगर नहीं पचेगा, आम बनेगा, वही आम फैट बन करके आपके ब्लड में मूव करता है। दूसरा, खासतौर से नॉन वेज जो खाते हैं, या बहुत ज़्यादा फ्राइड तेल, ग्रीजी ऑयली फूड, उसको बंद कर दीजिए। लहसुन खाना शुरू कर दीजिए, उसी से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। 1 कली लहसुन की रोज़ सुबह खाइए, बहुत फ़र्क पड़ता है। और साथ में थोड़ा सा जो है ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए जीवा की नीम टैबलेट आप शुरू करिए, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। अर्जुन टैबलेट भी जीवा की बहुत अच्छी है। ये तो मैं जनरल बता रहा हूँ आपको, लेकिन यदि आपका रोग थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है तो हमारे डॉक्टर से एक बार बातचीत कर लीजिए, उनसे मिल करके पूरा आप जो है रोग उनको समझाइए, तो इलाज आपका हो जाएगा। कोई घबराने वाली तो बात है ही नहीं।
हम आपके लिए अलग अलग तरीके की मेडिसिन रिसर्च करके बनाते हैं, उसको थोड़ा सा आपको भी इसको प्रयोग करना है और जो आपको निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन करना है, इतना ही करना है बस, और क्या है। तो आपका रोग भी ठीक होगा और सेहत भी अच्छी हो जाएगी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान आपका, आज भी आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारियां हमारे दर्शकों को लाभ पहुंचाएंगी। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर भी मिलाना पड़ेगा और अपनी कॉल रजिस्टर भी करानी होगी। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें, जीवा की ईमेल आईडी है info@jeeva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं, जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jeevaayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jeevaayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।